Hello student, standard 7th. I hope all fine there. So student, in this video we are learn how to do freehand. मैंने आपको बताया था ना लास्ट वीडियो में कि मैं दिखाऊंगी आपको प्रैक्टिकली, वो आज हम यहाँ पे देख रहे हैं. मैंने एक ब्लैंक पेज लिया है जो मैंने हाफ कर लिया है. आप पूरा भी ले सकते हो. हाफ इसलिए किया है कि वीडियो में आपको मैं अच्छे से देख दिखा पाऊँ. तो ये पेज है, उसमें मैं कुछ ड्रॉ करूंगी. पहले कैसे करेंगे ड्रॉ, कि ये जो पेज है उसको पहले ऐसे हाफ कर देना है हमें पूरा. ठीक है, इसको हम हाफ करके पूरा ऐसे फोल्ड कर देंगे. फोल्ड करने के लिए बिल्कुल एकदम प्रॉपर दोनों का जो मेजरमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए. दो पार्ट अच्छे से करने हैं. तो अब मैं क्या करूंगी, इस पार्ट है एक पार्ट में मैं आपको ये ड्राइंग करके दिखाऊंगी और दूसरे पार्ट में वो कैसे हम फ्री हैंड को सेम टू सेम डिज़ाइन लेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे. पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, एग्जांपल के तौर पे आपको सिखाती हूँ, देखना आप ठीक से. मैं पहले ये कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी. आप भी सेम टू सेम डिज़ाइन कर सकते हो और दूसरी भी डिज़ाइन कर सकते हो. ठीक है, इसको ये पूरा आपको हाफ फोल्ड करना है. कर लिया है, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं डिज़ाइन. देखना आप, ये डिज़ाइन है फ्लावर की, वो हम करेंगे. ये फ्री हैंड आप मेरे साथ भी कर सकते हो और मैं आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल करना भी ज़रूरी है, तो भी आपको पता चलेगा. स्टार्ट कर रही हूँ मैं, डिज़ाइन थोड़ी अलग होगी तो भी चलेगा, आपको भी ऐसे ही करना है. ये मैंने एक बना लिया पूरा. आप गर्ल्स है वो मेहंदी की डिज़ाइन भी ऐसे करते हो, राइट, है ना. सेम वैसे ही फ्री हैंड क्या है वो मैं खास आपको दिखाना चाहती हूँ. डिजाइन तो कोई भी हो सकती है, लेकिन फ्री हैंड किया कैसे जाता है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. इसलिए मैं छोटी सी डिजाइन करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको मतलब देखने में भी कभी कभी बोर हो जाते हैं, राइट. लाइक दिस, थोड़ा सा उसको अच्छे से नहीं होता है तो रब कर सकते हो. जैसा आप यहाँ पे करोगे वैसा ही आप सामने वाले जो पेज है वहां पे ही कर पाओगे. कैसे वो देखते हैं. अब यहाँ से हम एक कमल जैसा फ्लावर भी करेंगे. आपको लगेगा कि सेम टू सेम बाजू में कैसे आएगा, अब वही हमें
सीखना है। दिस इज कॉल्ड फ्री हैंड, ऐसा ही होता है ना कॉमन। एक बार ड्रॉ कर लिया फिर बार बार नहीं करना पड़ता है। मैं आपको यही सिखा दूंगी, इतना ही। आप ज़्यादा कर पाओगे फिर आप दूसरा पूरा डिज़ाइन भी कर सकते हो। ये जो आपने पूरी करी है डिज़ाइन जो मैंने, उसको मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ, बराबर है। थोड़ा थोड़ा करके इसको डार्क करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी जो पेंसिल है वो HB होनी चाहिए। अगर आपके पास HB नहीं है तो आप ले सकते हो लाइक दिस। मैं आपको दिखा रही हूँ HB, देखो दिस इज HB, कैन यू सी। तो ये HB पेंसिल है। आप उसमें 2HB 4HB भी ले सकते हो जो और डार्क है। ये डार्क होने से क्या होगा, आपको फ्री हैंड करने में बहुत इजी रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, आपको पूरा करना है डिज़ाइन, ठीक है ना। देख रहे हो मैं कैसे कर रही हूँ, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे होता है। तो ये इसको मैं हाफ कर लेती हूँ, बराबर। तो मैंने इसको डार्क किया था जो नीचे की डिज़ाइन थी। अब उसको क्या कर रही हूँ, मैं एकदम से उसको प्रेस कर रही हूँ जो डिज़ाइन को डार्क किया है ना। प्रेस करने से क्या होगा, जो मैंने इंक मतलब ये लीड जो है पेंसिल की, उसको डार्क इसलिए कर रही थी कि वो सामने के पेज में हम अच्छे से उसको देख पाए, राइट। देखो, देख रहे हो, हो गया है यहाँ पे सेम टू सेम डिज़ाइन। देखो अभी और भी आप ये डार्क कर सकते हो, देखो सी है कि नहीं। Can you see? ये एक डिजाइन मैंने बताई है दोनों तरफ की। समझ में आ रहा है, मैंने सिर्फ यही किया था, डार्क किया था ताकि आपको ये फ्री है समझ में आए। तो ये पूरी डिज़ाइन है वो यहाँ पे बना लेनी है और इसको बिल्कुल ऐसे डार्क डार्क करके बाजू के पेज में आपको दबाना है। ऐसे एक 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 बताती हूँ मैं। ये मैंने राउंड कर लिया, इसको दबाया, सी हो गया सेम टू सेम यहाँ पे ये राउंड है ना। तो ये हो गया फ्री हैंड। मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आपको ये पूरा ऐसे डिज़ाइन करना है। आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हो बच्चों। ये जो है इसको आप यहाँ पे तैयार है, लेकिन आप करोगे कहाँ पे, यहाँ पे करोगे और इसको ऐसे ये पेज पे फोल्ड कर दोगे ऐसे डार्क करके, तो दोनों तरफ हो जाएगा। तो चारों में ये पूरी डिज़ाइन हो जाएगी चार बॉक्स में। समझ में आ रहा है, वो आज का आपका होमवर्क है। समझ में आया, थैंक यू वेरी मच।